छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा से दिवंगत राजा देवव्रत सिंह की पहली पत्नी पद्मा सिंह ने अपनी ताज ठोक दी है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जाकर चुनाव लड़ने के लिए खैरागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को अपना आवेदन दिया। वहीं टिकट की चाह रखने वालों की धड़कनें पद्मा सिंह की दावेदारी से तेज हो चली है। दिवंगत राजा देवव्रत सिंह की पहली पत्नी पद्मा देवी सिंह ने साल 2007 में उपचुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी के कोमल जंघेल से हार गई थी। पद्मा सिंह ने कहा कि खैरागढ़ वासियों के प्यार और अनुरोध की बदौलत ही आज हमने अपनी दावेदारी के लिए आवेदन दिया है। हम इस क्षेत्र की लगातार सेवा करते आए हैं और आगे भी करेंगे। कांग्रेस के नियम अनुसार सबको एक परिवार में, कांग्रेस परिवार में एक अधिकार दिया जाता है कि आप अपना योगदान के अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, उम्मीदवारी की इच्छा। मुझे खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से तीनों ब्लॉक, चारों ब्लॉकों से लगातार हमेशा से बहुत प्रेम हमारे परिवार और हमको हमेशा से मिलता आ रहा है, और वो उसी प्रेम का, वो क्षेत्रवासियों का, जो मेरा परिवार है खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र का, उसी परिवार के आग्रह और अनुरोध से आज हम यहाँ खड़े हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद से ये ताकत मिलती है। और कांग्रेस के जो भी अपने नियम हैं उसके अनुसार अपन ने ये आज आवेदन भरा है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।